तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणी अभयदान जाड्यांधकारापहाम् हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदाम चतुर्मुख मुखाम भोज वनहंस बधूर मम मानसे रमताम नित्यम सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्रां कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचितिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम् या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्र सदना समादिगुणदायिनी। नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृत कुंतलां भवानीं भवसंताप निर्वापण सुधा नदीं। यः कवित्वं निरातंकं भुक्ति मुक्ति च वांछति सोभ्यर्चयिनां दशश्लोक्या
भक्त्यास्तौति सरस्वतीं तस्यैवं स्तुवतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्ति श्रद्धाभियुक्तस्य क्षणमासात् प्रत्ययो भवेत् ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्रपराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रं अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं
शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। हे भगवन, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवन, अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति किस प्रकार से होगी उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। मृत्यु की निवृत्ति या मृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी उस उपाय को भी नहीं जानता। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए आप जानते हैं मैं नहीं जानता हूँ। तो प्रभो, मुझे मोक्ष का उपाय बताओ, मृत्यु से दुखों से छूटने का नाम मोक्ष है और मृत्यु और दुख जो है यही बंधन है, तो जीव मात्र मोक्ष चाहता है माने दुखों से छूटना चाहता है। कोई भी दुख रूपी बंधन नहीं चाहता। रोग बीमारी में कोई पड़ा हो है, दुखी हो है, तो रोग से मुक्त होना चाहता है। रोग चला जाएगा तो दुख चला जाएगा। कोई जेल खाने में बंद हो गए तो जेल खाने के दुख से मुक्त होना चाहता है माने जेल से छूटना चाहता है। ऐसे ही ये जीव भी ये संसार रूपी जेल खाने में पड़ गया है,
क्यों पड़ गया, कैसे पड़ गया और कब से पड़ गया, ये जीव को पता नहीं है। पर ऐसा अनुभव कर रहा है कि मैं जन्म मरण रूपी संसार बंधन में पड़ा हूँ। छूटने की इच्छा करता है सब जीव, पर उपाय नहीं जानता है। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण से उपाय पूछते हैं कि संसार रूपी जेल से मुझे मुक्त करो, जन्म मरण से मुझे छुड़ाओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में जो स्थिति है, निष्ठा है, वही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम्, अपने आत्म ज्ञान से ही कैवल्य माने मोक्ष मिलता है। रीते ज्ञानान न मुक्ति, बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। इसलिए तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को अपने आत्मस्वरूप से जान करके ही जीव मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, माने मृत्यु से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, अनाय मोक्षाय, मोक्ष के लिए और दूसरा कोई पंथा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। तो अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। तो अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भासा, समाधिस्थस्य केशवो, स्थिद्धि किं प्रभासीत, किमासीत ब्रजेत किम्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिसकी बुद्धि अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म में स्थिर हो गई है, वो अपने समाधि में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है, उसका लक्षण क्या है, माने कैसे पहचान की जाए। वास्तव में तो स्थित प्रज्ञ का लक्षण स्थित प्रज्ञ ही जानता है। ब्रह्म में स्थिर है उसकी बुद्धि की नहीं स्थिर है, वो स्वयं ही जानता है। इसलिए स्वसम वेद्य है स्थित प्रज्ञ का लक्षण, स्वसम वेद्य है, स्वयं ही अपने आप को अपने का पता है, दूसरे को पता नहीं होता। पर अर्जुन पूछता है कि कोई बाह्य लक्षण भी उसके हैं क्या, कि बाह्य उसके आचरणों से कुछ पहचान की जा सके कि यह स्थित प्रज्ञ है। तो भगवान बताते हैं कुछ बाह्य लक्षण स्थित प्रज्ञ के। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सारी कामनाएं मन में हुआ करती हैं, जिसकी सभी कामनाएं निवृत्त हो गई हैं, कोई भी कामना नहीं, विशेष रूप से कामनाओं का त्याग कर दिया है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे प्रथा पुत्र अर्जुन, अर्जुन की माता का एक नाम प्रथा भी था और कुंती भी था, तो कहीं भगवान पार्थ कहते हैं प्रथा पुत्र अर्जुन, और कहीं कौंते शब्द से प्रयोग करते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन। तो हे पार्थ, संपूर्ण कामनाओं को जब त्याग कर देता है, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, और सारी कामनाएं
मन में ही होते हैं और कहीं नहीं होते। देह अत्यंत जड़ है, इसमें कोई कामना हो नहीं सकती, जैसे पत्थर में, पत्थर को कुछ भी इच्छा नहीं। ऐसे ही स्थूल देह जो है पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है, पत्थर के समान जड़ है, इसको क्या कामना होगी, क्या इच्छा होगी, ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। इसलिए स्थूल शरीर को तो कोई कामना है नहीं। रहा चेतन आत्मा ब्रह्म, वो पूर्ण है सत्य से, ज्ञान से, आनंद से, इसलिए आत्मा को भी कोई कामना नहीं, पूर्ण को भी कामना नहीं। अब बीच में ये मन है, साभास बुद्धि है, तो ये आभास जो है चेतन का प्रतिबिंब है, इसलिए साभास मन में ही कोई कामना हो सकती है। और कामना जो भी होती है वो सुख के लिए ही हुआ करती है, क्योंकि दुख तो कोई चाहता ही नहीं है, इसलिए दुख की कामना तो कर नहीं सकता है। जब भी कामना होगी तो सुख की होगी, तो ये सुख की कामना करता है। परंतु जीव को, मन को ये भी पता नहीं है, साभास बुद्धि को ही जीव कहते हैं, ये भी पता नहीं है कि मेरी कामना कहाँ से पूरी होगी, माने सुख मुझको कहाँ मिलेगा, ये भी पता नहीं। पर सुख की खोज में सब जीव लगे भाए हैं, और दूसरा कोई प्रयोजन है नहीं जीवों का। तो जिसके स्त्री नहीं है वो सोचता है शायद स्त्री मिल जाने से मुझको सुख मिल जाएगा। स्त्री की कामना अपने सुख के लिए है, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, अपने सुख के लिए कि स्त्री से मुझको सुख मिलेगा, तो अपने सुख के लिए वो स्त्री को चाहता है। जब स्त्री मिल जाती है तो तब भी जब सुख नहीं मिलता है तब सोचता है अब सुख कहाँ मिलेगा, फिर सोचता है कि शायद पुत्र मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पुत्र के बिना मुझको दुख है। पर पुत्र किस लिए चाहिए, आत्मनस्तु काम आए, अपने सुख के लिए चाहिए, पुत्र के सुख के लिए नहीं, पत्नी के सुख के लिए नहीं, पत्नी पुत्र चाहिए किस लिए, अपने सुख के लिए। नवारे पति काम आए पति प्रियो भवति, किंतु आत्मनस्तु काम आए पति प्रियो भवति, नवारे जाया रे कामनाए जाया प्रिया भवति, किंतु आत्मनस्तु काम आए जाया प्रिया भवति, नवारे पुत्राणाम काम आए पुत्रा प्रिया भवन्ति, किंतु आत्मनस्तु काम आए पुत्रा भवन्ति। कहाँ तक कहें, ये याज्ञवल्क और मैत्री उनकी पत्नी का संवाद है। कहाँ तक कहें कि सर्व की कामना, जो जो कामना करता है जिसके पाने की, वो अपने सुख के लिए करता है, उनके सुख के लिए नहीं करता है। तैसे ही पुत्र और पत्नी भी, जो पति की कामना करती है, पुत्र पिता की कामना करता है, वो किसके लिए करता है, आत्मनस्तु कामाय, सब अपने सुख के लिए दूसरे को चाहते हैं, दूसरे के सुख के लिए नहीं। यदि पूछो ऐसा क्यों है, कहा आत्मा स्वभाव से ही सुख रूप है,
तो अपने स्वभाव की तरफ आकर्षण होता है। ये नियम है, जिसका जो स्वभाव होता है उसी की तरफ खिंचाव होता है। जैसे जल का स्वभाव नीचे की तरफ है तो जल नीचे की तरफ ही जाएगा, अग्नि का स्वभाव ऊपर उठने का है तो ऊपर ही जाएगा। माटी के ढेले को तुम ऊपर डालो, फेंको आकाश में, तो ऊपर नहीं गिरेगा, उसका स्वभाव नीचे का है, सो नीचे गिर जाएगी। तो जीव का जो स्वभाव है वो सचित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है, सतरूप है, इसलिए मृत्यु की तरफ कभी नहीं जाता, अमरता की तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव स्वरूप है। और सुख स्वरूप है आत्मा का, जीव का, इसलिए अपने स्वभाव की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, सभी अपने अपने स्वभाव की तरफ ही आकर्षित हुआ करते हैं। तो जीव का भी स्वभाव सुख है, तो अपने सुख की तरफ आकर्षित हो रहा है, परंतु अपने सुख स्वरूप को न जानने के कारण ये संसार में ढूंढ रहा है। अपने स्वभाव सिद्ध स्वरूप को जानता नहीं है, इसलिए बाहर ढूंढता है, मैं ही सुख रूप हूं ये नहीं जानता। अब सोचो, सुख अपने में हो गए, ढूंढे बाहर, तो कब तक ढूंढे बाहर जब तो सुख मिले? बाहर तो सुख है नहीं, बाहर तो दुखालय मशाश्वतम भगवान ने कहा है। अर्जुन, ये दृश्यमान संसार तो दुख का समुद्र है और मृत्यु का समुद्र है, तो दुख के समुद्र में ये सुख ढूंढेगा? अरे स्त्री पुत्र धन राज्य, ये सारा संसार दुख का समुद्र है और मृत्यु का समुद्र है, मृत्यु के समुद्र में अमरता ढूंढेगा तो कितने दिन ढूंढे तो पाएगा? मैंने कभी नहीं पाएगा, परंतु अनजानता बस खोज यही कर रहा है कि मुझको अमरता मिले और सुख मिले, नित्य सुख मिले। तो सज्जनों, जब पुत्र में भी सुख न मिला तब सोचता है धन नहीं है, धनहीन हूं, धन हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। जब धन भी हो गया तब भी सुख न मिला, फिर सोचता है कि राज्य मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, फिर राज्य भी मिल गया तो भी सुखी न हुआ। सज्जनों, जितना जितना यह स्त्री पुत्र धन राज्य पाता जाता है उतना दुख बढ़ता चला जाता है, सुख नहीं हाथ में आता है, रोग बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। सुख पाने की ये दवा कर रहा है स्त्री पुत्र धनराज, परंतु दुख रूपी रोग बढ़ता ही चला जा रहा है। जब अकेला था तब स्त्री की चिंता नहीं थी, दूसरे की चिंता का तो दुख नहीं था ना, आप अकेला था। जब पुत्र नहीं था तो कम से कम पुत्र की चिंता का तो दुख नहीं था ना, आप अकेला है, स्वतंत्र है, कहीं पड़ा रहे, कहीं घूमे फिरे, कोई चिंता तो नहीं है दूसरे की। सज्जनों, एक से दूसरे की इच्छा किया और दूसरी आई, पत्नी आई, और पत्नी की चिंता हो गई, अब ये स्वतंत्रता इसकी चली गई। सज्जनों, पत्नी पुत्र धन राज्य की ये चिंता रूपी चिता में रात दिन जलता रहता है, इतना दुखी हो गया है। चिंता चिता द्वयोर मध्ये चिंता याति गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति सजीवितम। कहते हैं चिंता और चिता दो बहन हैं,
चिंता बड़ी बहन है और चेता छोटी बहन है, इनमें बड़ाई छोटाई क्या है? कहा ची के ऊपर जो एक बिंदी है, अनुस्वार है, तो चिंता बन गया, और बिंदी ना रही, हटा दी गई, तो चेता बन गया। तो चिंता में बिंदी ज्यादा है ना, इसलिए ये बड़ी बहन है, और चेता में बिंदी कम है, इसलिए छोटी बहन है। और इनका काम भी बड़ा और छोटा है। कहा चिता दहाते निर्जीवम, चिता छोटा ही काम करती है, जो मर गया है केवल उसको जलाती है, जिंदे को तो नहीं जलाती चिता। तो चिंता दहाते सजीवितम, यह चिंता जीवित पुरुष को भी जलाती है। सज्जनों, इस प्रकार से स्त्री पुत्र परिवार जब बढ़ जाता है तो चिंता की चिता में वो जलने लगता है। भगवान कृष्ण का परिवार बढ़ा, पत्नी पुत्र परिवार बढ़ा, पर कोई पुत्र कहना मानता है, कोई कहना नहीं मानता है। सज्जनों, जब पुत्र कहना न मानने लगे तो भगवान कृष्ण को भी चिंता होने लगी, दुख होने लगा। दूसरे लड़के खेलने के लिए आते थे, समुद्र के किनारे खेलते थे, तो ये ऐसे उदंड हो गए भगवान कृष्ण के लड़के कि दूसरे के लड़कों को समुद्र में डुबा देवें, मारें, और रोज उलहना आवे। तो भगवान को बड़ी चिंता हुई। आखिर उन्होंने एक दुर्भाषा ऋषि से साप दिलवा कर के और अपने परिवार का नाश करा दिया, वंश नाश करा दिया, क्योंकि पृथ्वी का भार तो उतारा मैंने, दुष्टों को दलन किया, पर अब मेरे घर में ही ये भार बढ़ गया है, दुष्ट पैदा हो गए। तो सज्जनों, देख लो, ज्यादा परिवार बढ़ने से, ज्यादा राज्य धन बढ़ने से कितना दुख होता है। तो सज्जनों, इस प्रकार से ये जो मन में नाना प्रकार की चिंताएं होती हैं, ये दुख का हेतु बनती हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इन चिंताओं का परित्याग कर दे वह और मेरे उपदेश से, जो मैं तत्व आत्म तत्व का उपदेश करता हूँ, उसको जान करके और अपने स्वरूप में मन को स्थिर करे। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, अपनी आत्मा में ही और आत्मा से संतुष्ट हो जाए, क्योंकि मन की चिंता तभी मिटेगी जब इसको अनंत सुख मिलेगा, नहीं तो सुख के लिए दौड़ता ही रहेगा और बाहर पाएगा नहीं कहीं सुख। जब पाएगा तो बाहर से लौट करके अपने भीतर ही आना पड़ेगा, अपने आप को ही जानना पड़ेगा, क्योंकि तरति शोकम आत्मविद, जो अपने आप को जानता है वो शोक सागर से तुरंत पार हो जाता है। इसलिए भगवान आत्म तत्व का उपदेश की करते कि अर्जुन, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, अर्जुन तभी उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, क्योंकि जब दुख नहीं है, सुख ही सुख है, तो मन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि सुख के लिए ही तो दौड़ रहा था बाहर, और तो कोई प्रयोजन था नहीं इसको।
अब वो सुख अपनी आत्मा में मिल गया, बाहर कहीं सुख मिला नहीं। परम प्रेम का विषय अपना आत्मा ही है। वित्तात् पुत्र प्रियो पुत्रात् पिंड पिंडात् तथेन्द्रियम्, इंद्रियाच प्रिय प्राण प्राणादात्मा प्रिय पर। प्रियता की सुख का तारतम्य बताया गया है। प्रियतेति आनंद, प्रिय नाम आनंद का है, सुख का है। तो कहते हैं सबसे कम दर्जे का सुख, स्थूल दर्जे का सुख वो धन में होता है। धन का, धन में प्रेम होता है, धन में सुख मांगता है जीव। तो इसीलिए धन कमाने के लिए घर छोड़कर, गांव नगर छोड़कर देश विदेश चला जाता है। तो फिर धन से प्रिय कौन होता है? कहते हैं वित्तात् पुत्र प्रियो। वित्त से, धन से पुत्र प्यारा लगता है। क्यों? इतने दुख से कमाए हुए धन को पुत्र के पढ़ाने लिखाने में, पुत्र की सेवा में लगा देता है, तो पुत्र ज्यादा प्यारा है धन से। पुत्रात् पिंडा, और पुत्र से फिर ज्यादा प्यारा कौन है? कहा अपना शरीर। जब पुत्र दुख देता है तो फिर पुत्र प्रिय नहीं लगता, अपना शरीर प्रिय लगता है। पिंडात् तथेन्द्रियम्, और इस स्थूल शरीर से ज्यादा प्यारे कौन हैं? कहा इंद्रियां प्यारी हैं। जब कोई मारने आता है, आंख कान नाक काटने लगता है, तब ये कहता है कि भाई देखो मेरी आंख कान नाक न काटो न निकालो, चाहे पीठ में दो डंडा चार डंडा मार लो। तो इंद्रियों की रक्षा करता है। और इंद्रियाच प्रिय प्राण, और इंद्रियों से ज्यादा प्यारे प्राण होते हैं। जब कोई नेत्रादि इंद्रियों में कोई दोष आ जाता है, फोड़ा हो जाता है, जहरीली मवाद पड़ जाती है और प्राण नाश का भय उपस्थित होता है, तो डॉक्टर सलाह देता है कि ये आँख को आप निकला दीजिए, नहीं तो प्राण चले जाएंगे। तो प्राणों की रक्षा के लिए वो कहता है डॉक्टर साहब आप एक आँख निकाल दीजिए, जिससे प्राणों की तो रक्षा हो। मने प्राण ज्यादा प्यारे हैं इंद्रियों से। और प्राणादात्मा प्रिय पर, और प्राणों से ज्यादा आत्मा प्यारा है। क्यों? जब इतना असह्य दुख होता है कि सहा नहीं जाता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरे जल्दी प्राण निकल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। कितने लोग तो जब दुख नहीं सह पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्मा से प्यारा कोई नहीं है। आत्मा सबसे परे भी है और सबसे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि आत्मा को सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म बताया गया है। तो सुख सिंधु आत्मा ही है सज्जनों। इसलिए आत्मा से बाहर कोई सुख ढूंढेगा प्राणों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और शरीर में, और फिर शरीर से बाहर तो कहां पाएगा? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। कस्तूरी अपने नाभि में है और मृग ढूंढता है बाहर जंगल में, तो कहां मिलेगा? इसलिए सुख जो है अपनी आत्मा में ही है, बाहर नहीं। तो हे अर्जुन, मन स्थिर तभी हो सकता है, बुद्धि स्थिर तभी हो सकती है जब आत्मचिंतन में ही लगे। आत्मचिंतन करते करते आत्मा में स्थिर हो जाए, मन समाधि में स्थित हो जाए, तब ये मन सुखी और शांत होता है। क्योंकि समाधि मन को ही करना है, साभास मन को ही करना है, मन को ही सुख चाहिए। आत्मा तो सुख सिंधु है।
इसलिए सुख सिंधु आत्मा में जब मन लगेगा तो सुखी और शांत हो जाएगा, और दुख सिंधु संसार की तरफ दौड़ेगा तो दुखी और अशांत हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा विराज विराज परब्रह्म सच्चिदानंद गुरुदेव भगवान जय। Thank you.